हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स पार्ट्स। अब इसके पहले हम सब ने पढ़ लिया था कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। अब आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो मेटल रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा होगा तभी इस मेटल का साल्ट बना होगा। अब ये जो मेटल फॉर एग्जाम्पल या आपका कोई मान लेते हैं कि आयरन है और ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा होगा, तो ये डाइल्यूट एसिड से क्या बनाया होगा, इसमें आयरन सल्फेट बनाया होगा और आपका यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ होगा। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। अब इसी के आगे हम सब ये देखने जा रहे हैं कि ये अब हमारा क्या होगा, एक साल्ट होगा ना, तो इस साल का रिएक्शन अब हम करवाने जा रहे हैं कब, जब किसी और दूसरे मेटल को ऐड करें। यहाँ पर हम जो एसिड और सब ऐड कर रहे थे, बजाय उससे अब हम ये वाला साल सॉल्यूशन ले लेंगे और इसी में कोई एसिड हम कोई मेटल हम ऐड करेंगे। तो कोई मेटल चाहे आपका जो भी हो, अब उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन होगा, प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा। अब इसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा रिमाइंड करना होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा था कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और ऐसे ऐसे आपका हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे जो आपने पढ़े थे। तो अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने ये देखा कि जो ऊपर के मेटल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, अपने से नीचे वाले मेटल का कोई भी साल्ट सॉल्यूशन हो उनको ये डिस्प्लेस कर देंगे। इनमें से किसी का भी साल्ट सॉल्यूशन हो, AgCl हो, मर्करी का हो, कॉपर, हाइड्रोजन, किसी का भी साल्ट सॉल्यूशन हो, आप पोटेशियम को डालेंगे तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अब जो इससे नीचे वाले मेटल हैं, जैसे मान लो कि हमने पोटेशियम का कोई साल्ट KCl ले लिया और इसमें हमने क्या मिलाया, कैल्शियम ऐड करा, तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। सेम हियर, अब यहाँ पर जो हमने फेरस सल्फेट यहाँ बना हुआ है, इस फेरस सल्फेट में कुछ ऐड कर दें, पहले तो जनरल एक ले लीजिए, कोई भी मेटल है ए है, कोई भी मेटल ए है, नाम दे दिया गया कि ए है। अब ये कोई भी साल्ट सॉल्यूशन है मेटल का, बी मान लेते हैं कि वो जो साल्ट सॉल्यूशन है मेटल का, हमने जो यहाँ पर लिया था Fe2O को, ये आपका साल्ट सॉल्यूशन है कोई भी मेटल का, इसको हम बी मान लेते हैं और कोई मेटल इसमें हम ऐड कर लेते हैं, मान लो हम जिंक ऐड कर रहे हैं या हमने कॉपर ऐड कर लिया, तो अब ये हमारा मेटल ए हो गया और ये हमारा साल्ट सॉल्यूशन मेटल बी का हो गया। दोनों क्या होगा, रिएक्शन करेंगे और क्या करेंगे, साल्ट सॉल्यूशन मेटल ए का फॉर्मेशन करेंगे और मेटल बी बनाएंगे। लेकिन कब ऐसा होगा, ऐसा तब होगा कि जब ये वाला मेटल जो आपने मेटल ए के रूप में लिया है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द मेटल प्रेजेंट इन दैट साल्ट सॉल्यूशन। तो अब आयरन से आपको पता है कि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, इस वजह से जब आप कॉपर ऐड करेंगे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, जिंक ऐड कर देंगे इस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक आपका सॉलिड में होगा, फेरस सल्फेट एक्वस होगा, तो जैसे आप ऐड करेंगे, आप बताइए कि जिंक की पोजीशन और आयरन की पोजीशन दोनों की देख लीजिए, जिंक का पोजीशन ऊपर है इन कंपैरिजन टू आयरन, तो जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर की आप देख लीजिए नीचे है इन कंपैरिजन का पोजीशन इन कंपैरिजन टू आयरन, इस वजह से कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ जिंक जब डिस्प्लेस करेगा आयरन को, तो क्या बनेगा, इसी का साल्ट बन जाएगा, ये बना आपका जेडन और यहाँ का ये सल्फेट जेडन एसओ4 एक्वस बन जाएगा, प्लस जो आपका मेटल बना, मेटल क्या बच गया, ये यकीन क्या हो गया, डिस्प्लेस कर दिया गया इस जिंक के द्वारा, तो ये आपका यहाँ पर आयरन मेटल बन गया सारे भाग में, ये आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर क्या करें, एक सोल्यूशन को
पे लेंगे कॉपर सल्फेट का। सपोज करो आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, ये अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा एक्वस होगा और कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर। ये आपकी जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन होती है ये लाइट ग्रीन कलर की होती है, लाइट ग्रीन कलर। अब देखो इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप क्या ऐड करें, आयरन को ऐड करते हैं, आयरन की कोई भी नेल ऐड करते हैं या कोई कुछ भी आयरन का आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आयरन की रिएक्टिविटी देखिए कॉपर से ज़्यादा है, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर, आयरन का पोजीशन ऊपर है कॉपर के कंपेरिजन में, तो आयरन क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या करेगा इसी का साथ सोल्व जो होगा ये इसके साथ वाइट कर जाएगा, तो बनेगा क्या FeSO4 प्लस अब जो आपका मेटल बचा कॉपर, तो ये आपका बन गया, ये प्लस आपका फेरस सल्फेट और ये सारे कॉपर। अब आपको क्या मिला, ब्लू कलर का सोल्यूशन आपने कॉपर सल्फेट का लिया, उसमें आपने आयरन की नेल या आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करें और फिर आपको थोड़ी देर के बाद ये आपको जो सोल्यूशन था वो किस रूप में मिला, लाइट ग्रीन कलर में मिला, क्योंकि आपने यहाँ देख लिया है कि फेरस सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन कलर आपको यहाँ मिल जाएगी और कॉपर जो होगी इसके चारों तरफ आपको एक लेयर के रूप में दिखेगी। ऐसे आप कोई भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं, सिल्वर चाहे तो लाइट का रिएक्शन आप करवाना चाहे करवा सकते हैं, बहुत सारे टाइप के मैग्नीशियम सल्फेट का है, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड या सल्फेट कुछ ले लें उसका रिएक्शन करवा दें, इस सबका रिएक्शन आप इसी तरीके से करवा करके और ये चेक कर सकते हैं कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है। क्योंकि हमने जो एक्टिविटी सीरीज देखी थी उसमें हमको ये रटना ना रहे कि ये मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इस मेटल की रिएक्टिविटी कम है, जब आप ये ऐसा करेंगे बाय एक्सपेरिमेंट तब आपको ये खुद से ही क्लियर हो जाएगी कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए ये ऊपर प्लेस करा गया है और जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको नीचे प्लेस करा गया है। अब हम देखने जा रहे हैं आगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। तो अब हम ये जो देखने जा रहे हैं एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ये मिलकर के जो कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन करता है वो मेनली आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन हम इनके बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आप देखेंगे जितने सारे आपके कोई भी हो चाहे वो आपके नोबल गैस हो, नोबल गैसेस की हम पहले देखते हैं नोबल गैसेस की, क्योंकि यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पर इसकी हम सेल लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ये इनकी के सेल है, ये इनकी एल सेल है, ये इनकी एम सेल है और ये इनकी एम सेल है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन इनका इंटर कर रहा है। तो नोबल गैस में हम सबका बात कर लेते हैं हीलियम की, हीलियम का सिंबल एच ई होता है और एच ई एटॉमिक नंबर हीलियम का क्यू होता है, के सेल में इलेक्ट्रॉन से जा सकता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएंगे तब भी नेक्स्ट सेल में आगे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आप नियॉन की बात कर रहे हैं, नियॉन का सिंबल एन ई होता है, इसका एटॉमिक नंबर टेन होता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे उससे क्या हो मिलेगा आपको, टू इलेक्ट्रॉन के सेल में इंटर कर गए और बाकी के एट इलेक्ट्रॉन कल सेल में इंटर कर गए। अब आप आर्गन की बात कर लीजिए, आर्गन का जो सिंबल एटॉम का सिंबल होता है वो आर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो के सेल में टू इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, एल सेल में एट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा और यम सेल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल हैं यहाँ पर एल में एट, यम में एट, सारे के सारे क्या हैं टू एट एट हैं। अब आगे हम कुछ और
देखने जा रहे हैं केस जो मेटल का है, ये थे नॉन मेटल केस, नोबल गैस के साइड, नोबल गैस के लिए। अब आप देखें मेटल का केस, जब आप मेटल के यहाँ एलिमेंट मेटल के केस की बात करते हैं और मेटल, तो ये आपके मेनली पहले जो हमने ले लिए लिथियम होते हैं, जो दो ले लिया एल आई पी एच आई की, लिथियम का सिंबल एल आई होता है और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करेंगे तो के सेगमेंट में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन बच गया उसको आप एल सेगमेंट इंटर कर देंगे। फिर आप ले लीजिए सोडियम, सोडियम का सिंबल एन ए होता है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ए सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन एम सेल में इंटर कर जाएगा, क्योंकि लेवल 2-8 है, 1 लेवल। पोटेशियम की बात आप कर लें, पोटेशियम का सिंबल के होता है, एटॉमिक नंबर 19, आपका इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेगा 2 में, एल में, एम में, एन में। अब आप बात कर लीजिए आगे बेरिलियम की बात करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर मैग्नीशियम की बात करिए जो आपको ज़्यादा जरूरी है। मैग्नीशियम का सिंबल एन डी होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करेंगे तो 2A2। अब आप बात कर लीजिए कैल्शियम की, CA होता है इसका सिंबल और एटॉमिक नंबर 20 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में इंटर कर गया, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन एल सेल में। अब आपने क्या देखा कि लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जो इनके सबसे बाहर वाले सेल में होते हैं उनको हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट होते हैं उनको हम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो लिथियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप पोटेशियम के केस में देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मैग्नीशियम के केस में देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैल्शियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब इससे पहले आपने क्या देखा था, इससे पहले देखा था नोबल गैस केस, इसमें पहले क्या था हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, नियान के केस में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन, ये आपने देखा था कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे वो यही प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो इसी वजह से होती है कि वो इन इलेक्ट्रॉनों को चाहता है कि हम निकाल दें, तो उसके बाद जो यहाँ पर ये बचते हैं मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद लास्ट करने के बाद देखो 1 बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, आफ्टर लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैग्नीशियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम आल्सो। देखो ये क्या होते हैं 2 8 8 8 8 आपने देखा, तो ये उनकी जब इतनी इलेक्ट्रॉन हो जाती है इस सेल में तो बोलते हैं कि ये स्टेबल हो गया। तो इस वजह से हर मेटल यही प्रयास करता है कि वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और आसानी से क्या कर दे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर दे, जिसके वजह से हर मेटल रिएक्शन करता है, यही वजह है इनकी मेटल की हाई रिएक्टिविटी की। अब हम केस नॉन मेटल के केस की थोड़ी बात करते हैं, नॉन मेटल जो आपके नॉन मेटल होते हैं उनमें जैसे आप बात कर लीजिए हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, H एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, ये कहीं इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं K सेल में इंटर कर जाएगा। अब आप बात कर लीजिए कार्बन की, कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है और इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल में। आप नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 7 होती है, सॉरी एटॉमिक नंबर 7 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन एल सेल में। आप
ऑक्सीजन की बात कर लीजिए। ऑक्सीजन का सिंबल को होता है एटॉमिक नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-6। फ्लोरीन की बात कर लीजिए, सिंबल क्या है एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-7। सेम इसी तरीके से आपके बहुत सारे यूनान में करते हैं, उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जाएगी। अब क्या होगी, यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके यहाँ आउटर मोशन में हाइड्रोजन की, कार्बन के आउटर मोशन में 4, यहाँ नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब कोई क्या चाहेगा कि अगर उसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि हम डोनेट कर दें, और ऐसी प्रॉपर्टी किसकी होती है मेटल की, इसीलिए मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, डोनेट करता है और कैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जब आपके इलेक्ट्रॉन के नंबर 4, 5, 6, 7 कितने ऐसे प्रेजेंट हो, तब वो क्या चाहेगा, इतना डोनेट करना तो चाहेगा नहीं, वो सोचेगा कि हमको कितने इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाते हैं तो हम अपनी 8 इलेक्ट्रॉन पूरी कर लें। 8 इलेक्ट्रॉन जिनके आउटर मोशन में हो जाए उनको स्टेबल बोलते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और इसी को बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को कि ऑक्टेट, वो अपनी 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेट इनकी कब कंप्लीट होगी, कार्बन की, जब 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इनको, जो मेटल के आउटर मोशन में थे वही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। या नॉन मेटल जो होगा हाइड्रोजन इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देता है, किसी भी स्पेस में गैन भी कर देता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और उनसे दोस्ती कर देता है। नाइट्रोजन भी 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ पर अब ऑक्सीजन के केस को कंसीडर करिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आप क्लोरीन के केस को कंसीडर करिए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 1 हो जाए। यहाँ देखो सबको इतने इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, कार्बन को 4, नाइट्रोजन को 3, ऑक्सीजन को 2, क्लोरीन को 1, इतने इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एक ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो इसी वजह से ये रिएक्टिविटी करते हैं। लेकिन अभी ये क्या करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं इनको इतने इलेक्ट्रॉन को दे करके दोस्ती करता है, तो इसीलिए जो ये बांध का फॉर्मेशन करते हैं वो कोवैलेंट बांध का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बांध का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करने के बाद जो बांध का फॉर्मेशन करते हैं वो कैसे बांध का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बांध बनाते हैं। यही आयनिक बांध जो आपका टॉपिक है, यही हम सब नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।